हेलो, मैं हूँ नम्रता, इंडियन यूट्यूबर, आपकी दोस्त जो आपकी जिंदगी को रंगों से भर देगी। मैं आपके लिए कुकिंग, गार्डनिंग, क्रिएटिव क्राफ्ट आइडियाज, जो घर को सजाए, और बेबीज के केयरिंग टिप्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नम्रता, आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूं। दिस वीडियो इज फ्रॉम किचन वीडियो। यस, आज मैं आपको किचन के कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं। तो कैसे हम पाइनएप्पल्स को काटें बहुत इजीली घर पे ही, तो इसी का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जब पाइनएप्पल हम घर पे लाते हैं तो पाइनएप्पल को अच्छे से धो लें, और धोने के बाद हम दोनों इसके एंड पोर्शन को काट लेंगे शार्प नाइफ से। हाँ, यहाँ पर आपको नाइफ शार्प होनी ज़रूरी है। तो हम दोनों एंड पोर्शन को काटने के बाद इसके साइड के पोर्शन जो भी छिलके हैं उसको हम कट करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, और फिर इसमें जो साइड साइड में जो काटा दिख रहा है ना, उसको हमें कुछ इस तरह से कुछ पतले चाकू से हमें काटना होगा। तो इसे होल्ड करने के लिए मैंने एक स्क्रू ड्राइवर की मदद ली है, जिसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अच्छे से पकड़ते हुए इसको मैं काट रही हूँ। देखिए, काटते हुए कुछ रिंग जैसे चारों तरफ होते जा रहे हैं, तो आपको बस इसी तरह से आपको काटना होगा, ताकि जो इसमें जो कांटा लगा हुआ है ना, खाने के टाइम ये कांटा मुंह में चुभे नहीं, खुजली ना हो, तो इसीलिए इसको काटना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, कुछ इस तरह से दिख रहा है, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ, इसी तरह से सजाया जाता है फलों के दुकान में पाइनएप्पल को कट करके। अब हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद नहीं चाहिए, तो हम स्क्रू ड्राइवर को निकाल सकते हैं। पाइनएप्पल को हम लंबाई से काट देते हैं, ताकि इसको जो अंदर का जो हार्ड पोर्शन है ना, उसे हम काट सकें। क्योंकि जब हम खाते हैं ना, तो उसके बीच में ना एक हार्ड हार्ड लगता है, जिसे हम नहीं खाते हैं, तो उसको हम निकाल देंगे। तो उसके लिए इसको मैंने पाइनएप्पल को लंबाई में काटा है, जो दो हाफ हो गए हैं। उसके बाद फिर उसको मैंने फिर से हाफ पोर्शन को लंबाई में काटा। अब देखिए, उसका जो अंदर का जो मोटाई पोर्शन है, उसको मैं बस लंबाई काट दूंगी, ताकि जो मोटा पोर्शन है ना, वो कट जाए। तो कुछ इस तरह से आप इसे काटे। देखिए, अब इसे हम ऐसे लाइन लाइन या किसी भी शेप में आप इसे आप काट सकते हैं, आपकी मर्जी। अब इसको हम अच्छे से आप खा पाएंगे, क्योंकि इसमें ना कोई कांटा जो छुपता है वो भी नहीं है, और जो हार्ड पोर्शन है वो भी नहीं है, तो आप इसे इजीली खा सकते हैं। हमारा स्वादिष्ट पाइनएप्पल कट के तैयार हो गया है। हाँ, अब इसे आप प्लेटिंग करें अपनी मर्जी से, इसे सजाएं जैसे चाहे, और फिर परोसे। तो ये पाइनएप्पल खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़रूर बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, क्योंकि पाइनएप्पल में भी बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है। तो इसे मिस ना करें, जब भी ये सीज़न में मिले तो इसे भरपूर मात्रा में खाएं और इसका आनंद लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।